महाकाल दोस्तों, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोई डिश, वो देख लीजिए। ये आटा है, ऐसे बनता है ये डिश मैदे से, लेकिन मैंने यहाँ पर आटा लिया है क्योंकि आटा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो आप लोग को पता ही है। अब इसमें मैं क्या क्या डालूँगी ये आपको दिखला देते हैं। ये दही है, दही डालूंगी मैं, दही डाल देख ला। इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे 1 चम्मच नमक, उसके बाद ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, ये भी मैं 1 चम्मच डालूंगी, इतना सा। और ये बेकिंग पाउडर वो भी मैं इतना सा डालूंगी। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ऑयल पड़ता है, लेकिन आपके पास अगर घी हो तो घी डाल लीजिए 2 चम्मच के करीब। मैं इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। अब इसको हम सानेंगे। इसको जब भी आप आटा सानें तो कभी भी वो ऐसे ऐसे जो किया जाता है वो ना करें, क्योंकि इसमें का ईयर निकल जाएगा तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट और फुली फुली रोटी नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पर ऐसे करें, बीच में ऐसे सब करके वैसे कभी नहीं करें, तो इसका ईयर जो है ना वो निकल जाएगा, जो ईयर जमा हुआ है। अब ऐसे हम इसको कर देंगे, बहुत ज़्यादा आटा इसलिए ऐसे हो रहा है। और इसमें हम थोड़ी घी डाल के सब जगह लगा के 2 घंटे के लिए, इसको 2 घंटे के बाद इसको हम फिर मिलाएंगे, लेकिन अभी इसको हम रेस्ट पर रखेंगे। सूती कपड़ा से ऐसे इसको ढक दें। अब इसको 2 घंटा तक मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम पनीर कर रहे हैं क्या क्या मैं बोल देती यार। अब उसके बाद पनीर को तलेंगे, अब पनीर की सब्जी, और वो तंदूरी रोटी बनाऊंगी मैं, आटा का तंदूरी रोटी, मेथी का क्या बोलते हैं, मैदा का नहीं, मैं आटा का बनाऊंगी। अब मिलते हैं इसको फ्राई करने वक्त। यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब ना हम इसमें पनीर डालेंगे। अच्छे से गर्म है, इसको ब्राउन एकदम ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन कलर। ये देखिए ब्राउन हो गया है, मैं हल्के ब्राउन करूँगी इसको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा तल जाएंगे तो इसको हमको पानी में डालना पड़ेगा सॉफ्ट होने के लिए, और इतना ही मैं रहने दूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। पनीर हम निकाल दिए, और ये तेल बचा हुआ है, यही तेल को मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। में हम जीरे का फोरन डालेंगे, अब ये तड़केगा। जीरा मेरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम 2 गो सूखा मिर्च डालेंगे, लहसुन डाल देंगे, फिर हरा मिर्च डाल देंगे। इसको हम ब्राउन होने तक भून देंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे,
और इसको हम एक सीटी देर तक मतलब जब तक नहीं दे एक सीटी दिवाएंगे और गला लेंगे इसको। अब इसमें हम नमक डालेंगे, गलाना है तो हमको नमक तो डालना पड़ेगा, एक चम्मच और भर के गिर के और एक चम्मच और, फिर बाद में देखेंगे टेस्ट करके उसके बाद डालेंगे। अभी ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। उसको मिला था, इसको मिला लिए हैं, अब इसको सीटी लगाएंगे। देख लीजिए मैंने एक को भी पानी नहीं डाला है, अब यही नमक पानी छोड़ेगा, इतना नहीं गल जाएगा। यहाँ पर हम सीटी लगा देंगे, हो गया, सीम एकदम कम है, एक सीटी तक आने तक वेट करेंगे, एक सीटी में प्याज गल जाएगा मेरा। लग गया है, अब हम इसको बंद कर देंगे, अब सीटी निकलेगा तो आपको दिखलाएंगे। ये मेरा सीटी निकल गया है, ये देख लीजिए नमक में ही इतना पानी छोड़ा, देख लीजिए कितना पानी छोड़ दिया। अब मैं इसको गैस ऑन करूँगी और पहले पानी सुखाऊँगी। गैस मैंने ऑन कर लिया है, अब इसको चढ़ा दिए, अब पहले इसका पानी सूखेगा। ये देख लीजिए पानी, थोड़े बहुत पानी सूख गए हैं। मैं इसे मसाला डाल दूँगी, इसे मसाले में है हल्दी मिर्च धनिया, रोज़ाना यूज वाला ही है, कैमरा कभी कभी ब्लर हो जाता है, इसके लिए सॉरी आप लोग से बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों ब्लर कर जाता है। अब इस प्याज के साथ ही इसको हम भूंजेंगे। पनीर का रेसिपी तो ऐसे आप लोग को हम दे चुके हैं, मसाला वही है, इसमें थोड़ा सा अभी अभी डाले हैं चिकन मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, बस यही पड़ेगा। इसको भून देंगे, पानी डाल देंगे और बस एक सीटी लगाएंगे, हो जाएगा। बार बार एक ही रेसिपी दिखलाएंगे तो आप लोग, ये देख लीजिए डेढ़ घंटा हो गया होगा। अभी आटा को मैं मिलाऊंगी, एकदम इसी तरह मिलाना है कि ईयर बीच में रहे, ईयर नहीं निकलना चाहिए इसका, इसी तरह इसको मिला लीजिए। देख लीजिए कितना अच्छा से हो रहा है, एकदम इसी तरह करना है, ईयर इसका निकालना नहीं है, उस तरह से मत कीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा टोटली ईयर निकल जाएगा इसका। अब हो गया, अब हम बनाएंगे तो आप लोग को दिखलाएंगे। एक थोड़ा सा घी इसमें लगा के छोड़ दे रहे हैं, अब इसको तोप देंगे, अब बनाने घर फिर मिलेंगे। अब इसको हम बनाएंगे, इस तरह से इसको लोइया काटेंगे, इसका ईयर इसी में रहे, ऐसे तंदूरी रोटी भी मोटा मोटा बनता है, इतना बड़ा बड़ा लोइया कर लेंगे, ऐसे 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 करके। अब इसको हम बेल लेंगे। रुको यार, घी लगा रहे, क्यों मार रहे हो? क्या मार रही थी? इस तरह से बेल लेंगे इसको, बीच में प्रेशर बना है, बीच में तो प्रेशर बना रहे हैं यार, ये हमको छुपा रही थी बेबे। इसको ऐसे पानी लगा लेंगे, थोड़ा हरा भरा कर लेंगे, फूल उगा देंगे, नहीं धनिया के पत्ता है, इसमें कलौंजी डाल देंगे, ब्लैक ब्लैक कलौंजी है उसको बोला जाता है, हम लोग तो मंगरेला बोलते हैं इसको, हम लोग मंगरेला बोलते हैं इसको, मराठी का हम बोल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक को कलौंजी बोला जाता है, हम लोग मंगरेला बोलते हैं बिहार में, इसको मंगरेला बोला जाता है। और पानी नहीं हो गया, अब तावा मेरा गर्म हो गया है, अब हम इस पर डाल लेंगे। चलो यहाँ देखा, तावे पर देखा, इस तरह से इसको ऐसे डाल लेंगे, अब इसको हम ऐसे ऐसे सेक लेंगे चारों बगल से, ऐसे ऐसे सेक लेंगे,
तावा मेरा डंटी वाला रहता ना, तो तावा से ही हम अथी कर लेते, लेकिन तावा मेरा डंटी वाला है नहीं, हाथ उठ जल जाएगा मेरा, इसीलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। ये देखिए बना लिए, पसीना पसीना हो गए, सारा बन गया। और ये रहा पनीर, और ये रोटी तंदूरी टाइप रोटी है, लेकिन ये फ़ायदा करेगा, अथी का नहीं है, मैदा का नहीं है, ये आटा का बनाए हैं हम, लुक बहुत अच्छा है। आप लोग भी खा लीजिए और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।